हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग अपने 12th एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, 2 महीने में लगभग 12th कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोग कई सारे वरिड हैं कि अब 12th के बाद क्या। तो अब जो हम वीडियोस डालने वाले हैं आपके लिए, वो है 12th के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। और जिस करियर ऑप्शंस में से आज हम बात करने वाले हैं होटल मैनेजमेंट की, जो कि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर है और बहुत सारे बच्चे जो हैं होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि होटल मैनेजमेंट है क्या, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे जाके आप क्या कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि होटल इंडस्ट्री यानी कि होटल मैनेजमेंट या होटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला, इसमें कोई शक नहीं है कि होटल इंडस्ट्री जो है बहुत ही तेज़ी से रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग जो है कभी भी खाना बंद नहीं करने वाले हैं, उसी प्रकार से हम अगर जो इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं वो भी कभी बिजनेस से आउट नहीं होने वाले। अभी जो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री के अंदर लगभग 3.5 मिलियन यानी कि लगभग 35 लाख जॉब्स जो हैं अगले 5 साल के अंदर क्रिएट होने वाली हैं। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको बहुत अच्छे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडियंस हैं वो दुनिया के अंदर होटल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड। और क्योंकि भारत में और दुनिया भर के अंदर टूरिज्म जो है जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ होटल इंडस्ट्री भी की भी ग्रोथ जो है उसी के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि होटल इंडस्ट्री जो है वो आज के युवा के लिए एक बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं हम, अभी हमने फैक्ट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट जो है हमारे पास, आखिरकार होटल इंडस्ट्री या होटल मैनेजमेंट हम करें क्यों। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के बारे में सोचते हैं या पूछते भी हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यही एक इकलौता कोर्स है जिसके अंदर आपको पढ़ाई कम करनी है और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा करनी है। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी अलग अलग जगह घूमने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है डायरेक्टली एसोसिएटेड है टूरिज्म इंडस्ट्री से। इसके अंदर आप जो है काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, लाइक फूड के साथ बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर मैं कहूँ तो जिन बच्चों को मैथ्स से थोड़ी सी एलर्जी है, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर आप लोग मल्टी कल्चरल सिनेरियो के अंदर काम करते हैं, रीज़न भी आपको बहुत सारे कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल और आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन भी बढ़ती है। यहाँ पे यू हैव टू वर्क एज अ टीम, आपको एक टीम के तौर पे काम करना पड़ता है, तो यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर। तो आपको टीम कम्युनिकेशन या टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखने को मिलते हैं, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स कहने का मतलब है अगर आप बातचीत करते हैं तो किसी व्यक्ति से किस तरह से डील करना है, उस तरह के स्किल्स भी डेवलप होते हैं इसी इंडस्ट्री के अंदर। और एट द एंड जो बच्चे सभी जानते हैं कि होटल इंडस्ट्री में होटल को मैनेज करना होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उसको मैनेज करना होता है इन चीज़ों के अंदर। तो अभी हमने बात की एडवांटेजेस क्या हैं होटल मैनेजमेंट के, या फिर आखिरकार हम होटल इंडस्ट्री में क्यों जाएं, उसके फायदे क्या हैं। अब हम इसके डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करें। जैसे मैंने बताया मैनेज होटल करना है, तो होटल मैनेजमेंट के अंदर या होटल को मैनेज करने के जो मेन मेन डिपार्टमेंट्स हैं, बच्चे ज़्यादातर ये 4 मेन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स जानते हैं होटल के, जिसमें हाउस कीपिंग है, ठीक है ना। हाउस कीपिंग का मतलब क्या है, जो भी उसके मतलब बेड्स हैं या रूम्स हैं उनको मैनेज करना है। फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज है, उसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज के अलावा फूड प्रोडक्शन, जहाँ पे फूड प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि किचन के बारे में है, और फ्रंट ऑफिस को कैसे मैनेज किया जाता है। ये फ्रंट में सारे ऑपरेशंस काम करते हैं, इन्हीं के बैक में जो इनको सपोर्ट करते हैं वो है हमारे पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होटल, जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग आता है आपका, पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अकाउंट्स एंड फाइनेंस मतलब जो भी पैसे का लेन देन है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब रिक्रूटमेंट है और या फिर मैनेजमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है स्टाफ का, वो सारी चीज़ें इस होटल ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती हैं आपके। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कहने का मतलब टेक्निकल नो हाउ है, जितने भी प्रोसेसेस काम कर रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है या अदर चीज़ें हैं, उन सबको मैनेज करना। उसके बाद प्रोक्योरमेंट, जिसको कह सकते हैं आप परचेजिंग या फिर स्टोरिंग, वो सारी चीज़ें भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं होटल के। तो आई होप अभी तक आपने ये चीज़ सीखी, आपने ये सब चीज़ें देखी है कि होटल इंडस्ट्री जो है आपके लिए क्यों अच्छी है, होटल इंडस्ट्री की आगे फ्यूचर कैसा है और इसके अंदर की ऑपरेशनल एरियाज कौन कौन से होते हैं। अब हम ज़रा इसके बारे में आगे बात करते हैं कि
सबसे पहले बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम होटल इंडस्ट्री में जाते हैं तो आगे हमारा फ्यूचर क्या है। ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मनी दैट विल गेट इन फ्यूचर। तो एक जनरल स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम एवरेज सैलरी को काउंट करते हैं एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट के लिए, यानी कि इनिशियली अगर आप जब ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं तो एक 5-स्टार होटल में अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी वो 15,000 to 25,000 rupees per मंथ वेरी करती है। अगर आप किसी फास्ट फूड आउटलेट में काम करते हैं लाइक CCD है, MACD है, इस तरह के और भी बहुत सारे फास्ट फूड आउटलेट्स हैं उनमें काम करते हैं तो उसमें सैलरी आपकी 20 to 30K तक वेरी करती है। एयरलाइंस के अंदर अगर आप काम करते हैं तो 30 to 50K तक वेरी करती है। क्रूजेज के अगर अंदर आप काम करते हैं इनिशियली तो 40 to 60K तक सैलरी वेरी करती है। ये इनिशियल सैलरी है और ये हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप यही चीज़ अब्रॉड में बात करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में आप काम करते हैं तो सैलरी जो होती है सिर्फ दुगनी तिगुनी चार गुना भी हो सकती है, राइट गाइस। और अगर मैं इसमें बात करूं कि ये तो हुई अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, अगर आप खुद का कोई स्टार्टअप करते हैं तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट है या फिर ऐसे बहुत सारे काम है जो आप होटल इंडस्ट्री को एक तरह से सपोर्ट करने के लिए या अपना साइड में कोई बिजनेस करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिसमें कमाई का कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये इनिशियल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, मैं इनिशियल एवरेज सैलरी की बात की है। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी, वैसे वैसे ही आपके जो इंसेंटिव्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली अदर सेक्टर्स के बहुत तेज़ी से होती है। अब बात आती है, ठीक है जी, हमने देख लिया इंडस्ट्री क्या है, क्या उसके की रोल्स हैं, क्या कमाई कर सकते हैं हम। अब हम अगर ये करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, नाउ हाउ टू डू। ठीक है, अगर इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो दो तरीके से ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया जा सकता है। पहला तरीका है कि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके, एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक आपको एक पेपर देना होगा, पेपर देने के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यानी कि ये जो कोर्स है ये कहाँ से होता है, कॉलेजेस से होता है। जबकि दूसरा एक तरीका है कि आप कॉलेजेस से ना जा करके सीधा होटल से, कई सारे होटल्स हैं जो ये कोर्स ऑफर करते हैं, साथ साथ इंटर्नशिप ऑफर करते हैं आपको। तो अगर आप कॉलेजेस के ज़रिए जाते हैं तो सबसे बड़ा नाम जो है वो NCHMCT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। लेमेंस टर्म्स यानी कि आम आदमी की भाषा में बात करूं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसको IHM पूसा के नाम से जानते हैं, या जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि हमें पूसा से HM करना है। तो IHM पूसा जो है वो इस काउंसिल के अंदर आने वाला एक कॉलेज है और इसमें कोई शक नहीं है वो सबसे पहले स्थान पर आता है। हाँ जी गाइस, तो दूसरा कॉलेज जो है वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी कि GGS IPU। बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें अगर आप HM करते हैं तो इसमें केवल एक ही कॉलेज है और वो 4 years के अंदर आपका होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराता है। उसके अलावा जो कॉलेज है हमारे पास वो है भारतीय विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद IHM औरंगाबाद। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें आप एंट्रेंस दे करके होटल इंडस्ट्री के होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। नॉर्मली जो टाइम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो अप्रैल से जून तक होता है, यानी कि अप्रैल से जून के बीच में ही सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एग्ज़ाम जो होता है वो लगभग NCHMCT का होता है। इसका एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाता है। उसके बाद बात आती है विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, जो कि आप डायरेक्ट होटल से कर सकते हैं। अब होटल भी दो तरीके से आपको कोर्स कराते हैं, कुछ तो है फ्री होटल्स। फ्री होटल्स कहने का मतलब है कि आप अगर इन होटल्स के अंदर एडमिशन लेते हैं तो ये आपको अपने पास कोर्स भी कराएंगे, साथ साथ स्टाइपेंड भी देंगे। और कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको फ़ीस पे करनी होगी और फिर वो आपको कोर्स कंप्लीट कराते हैं। तो ज़रा हम फ्री होटल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है बट स्टिल वो लोग होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं। तो उस केस में उन बच्चों के लिए ये एक बून है, ये एक वरदान है कि आप स्टेप जो कि ओबराय कराता है, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग एंड अर्निंग प्रोग्राम, उसके बाद है लीड लर्न अर्न एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि ITC कराता है। ये दोनों प्रोग्राम लीप के अंदर आते हैं, यानी कि लर्न अर्न एंड प्रॉस्पर। और तीसरा है एक JP सिद्धार्थ। ये सारे कॉलेजेस जो हैं, ये सारे जो होटल्स हैं, सॉरी, ये जितने भी होटल्स हैं इनके अंदर आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू दे करके अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इनके यहाँ पे अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना
आगे का करियर जो है इन्हीं होटल्स के साथ बना सकते हैं, चाहे तो आप बाद में शिफ्ट भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। नेक्स्ट जो है कुछ पेड होटल्स हैं, इन लोग ये लोग कई बार अपना अलग से भी एग्ज़ाम लेते हैं और कई बार ये NCHM के ही स्कोर को कंसिडर करके एडमिशन्स देते हैं, जिसमें अशोका होटल आता है, द ललित आता है, रेडिसन होटल आता है, ITC मानेसर आता है। इन सभी होटल्स के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी एक कोर्स गाइड है, अगर आप लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको कोर्स गाइड अपनी सेंड कर देंगे साथ साथ, जिसमें और भी कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है कि इन कोर्सेज को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप ये डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आप 12th क्लास, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर वोकेशनल स्टडीज़ से हो, तो अगर आप उसको 12th कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप अपीयरिंग हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन जो होती है कोर्स की वो 3 ईयर्स होती है, जैसे मैंने बताया, एक्सेप्ट GGS IPU। आप इनमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, आप दोनों चीज़ों को देखते हैं, जो एंट्रेंस वाले हैं उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें एंट्रेंस नहीं होता है यानी कि जो डायरेक्ट होटल से होते हैं उनमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस वालों के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 150 से 200 क्वेश्चन तक वेरी करते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है NCHMCT, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी, उसके अंदर 200 क्वेश्चंस होते हैं। ड्यूरेशन जो होता है इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो लगभग 2.5 से 3 घंटे होता है। NCHM का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 घंटे का होता है, जबकि IP और बाकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन जो होता है लगभग 2.5 घंटे का होता है। अगर हम ब्रॉड फॉर्मेट के बारे में बात करें कि एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या जाता है, एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश इन कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद है जनरल अवेयरनेस है आपके पास, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ को जनरल टर्म्स में हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पे है साइंटिफिक एप्टीट्यूड यानी कि साइंस के बारे में, प्लस इसमें कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज SAT, SAT स्टैंड्स फॉर सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं उस इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें सेट किए जाते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल टर्म्स के ऊपर कह सकते हैं, जो भी आपने अभी 12th तक पढ़ा है उन सभी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो प्रिपरेशन होती है अगर आप घर बैठ करके करने की सोच रहे हैं तो वो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसलिए डोंट टेक चांस, आप इस केस में चांस ना लें और अपना एक प्रीशियस ईयर, एक बहुत ही कीमती साल ज़रूर बचाएं और उसके लिए प्रोफेशनल कोचिंग का सहारा लें। प्रोफेशनल कोचिंग के बारे में बात करूं अब कहां से करें, तो रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट जो कि एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है, हम पिछले 12 सालों से HM और इससे अलाइड और भी जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए प्रिपरेशंस करा रहे हैं और हमारा सक्सेस रेट जो है वो लगभग 95% रहा है। बट उसके अलावा कुछ बच्चे जो रह जाते हैं उनके लिए भी हम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और कुछ अच्छे कॉलेजेस के अंदर सेटलमेंट करा देंगे आपके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर बात करते हैं नेक्स्ट कि बिना एंट्रेंस के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, बिना एंट्रेंस दिए अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अभी पीछे बताया था आपको लीड स्टेप जो कि लीप के अंदर आते हैं, राइट गाइस। तो उसमें प्रोसेस होते हैं जनरली 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन का, जैसे कि आप जानते हैं कि 15 से 20 लोग होंगे, आपस को किसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को आपस में बात करनी होगी, उसके बेसिस पे जो भी वहाँ पे मॉडरेटर होगा वो आपको जज करेगा, उसमें से सिलेक्शन होगा आपका। सेकेंड होता है वन ऑन वन मीटिंग, एक एक करके आपका मतलब एक तरह से पर्सनल इंटरव्यू होगा और इन दोनों के बेसिस पे आपका फाइनल इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट इशू की जाएगी, तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा। दोनों ही तरह की प्रिपरेशन, चाहे आप एंट्रेंस से एग्ज़ाम देना होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या बिना एंट्रेंस के होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, दोनों ही तरह की प्रिपरेशन रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं कि आखिरकार रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करें और उसमें क्या फ़ायदे हैं आपके लिए। सबसे पहला ये लाइन जो लिखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि ज्वाइन फर्स्ट डे बैच। डेफिनेटली गाइस, फर्स्ट डे बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको और प्रिपरेशन के कंपैरेटिव बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है और जो बच्चे हैं वो भी कुछ हमारे और जितने भी आसपास के स्कूल्स को होते हैं बहुत ही मेरिटोरियस और अच्छे बच्चे होते हैं। दूसरा कि यहाँ पर जो अटेंशन होता है वो कोर्स कराने के ऊपर नहीं होता बल्कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर मेन होता है,
अटेंशन की। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप बेसिक जानते हैं तो आप आसानी से उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। हमारे जितने भी टीचर्स हैं दे ऑल हैव मोर देन 10 or 12 ईयर्स एक्सपीरियंस। जितने भी और जैसे कि सेट आपका सेक्शन है, सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, उस सेक्शन को कराने के लिए कोई ऐसे वैसे टीचर नहीं आते, सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। रेगुलरली आपके कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हैं, टॉपिक टेस्ट हैं, मॉक पेपर्स वगैरह चलते रहते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट तीन बातें जो हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, आपका ऑनलाइन प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगा, यानी फर्स्ट डे जब आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से लेकर के जिस दिन तक आपका सिलेक्शन होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। उसके बाद हमारा अपना ऐप है, आप उसके अंदर भी बिना बुक के भी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम जो होता है वो 5 घंटे तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट। और अब बात आती है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। बच्चों को इस चीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों की भी टेंशन रियल कॉन्सेप्ट टीम के ऊपर छोड़ दें। हमारे यहाँ फॉर्म भरने से लेकर के कॉलेज के गेट तक छोड़ के आने तक के लिए सारी व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, ठीक है ना। अगर कई बच्चे आप में से ऐसे हैं जो दिल्ली से बाहर रहते हैं और दिल्ली में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए पीजी अवेलेबल है। राइट गाइस, जितनी भी स्टडी मटेरियल है, बुक्स हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट की तरफ से ही मिलेंगी। अब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मली हमारे इंस्टीट्यूट में 3 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक है क्रैश कोर्स, यानी कि जो बच्चे अभी जस्ट 12th एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जो लगभग 30 मार्च के आसपास ख़त्म हो जाएगा, तो पहला बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो होगा 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि वो है क्रैश कोर्स। 1 अप्रैल 2019 से लेकर के आप लगभग June 30 तक, यानी कि ये जो 3 महीने का टाइम है, ठीक है, ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है RCI Forerunner। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो 11th के एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाएं, तो 11th पास होने के तुरंत बाद वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। पूरे साल आप लोग इसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करेंगे जिससे आपके एडमिशन के चांसेस 100% हो जाते हैं। और तीसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंजाब से हैं, असम से हैं और भी कई सारे राज्यों से हैं, तो वो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ नहीं आ सकता है तो उन लोगों के लिए हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन वीडियोस हैं, हमारा ऐप है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल होंगी। आई होप गाइस इस कोर्स से रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स थे हमने सारे कवर करने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। राइट गाइस, नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।